नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कोई भी एग्जाम देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है और किस प्रकार के उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर ये हमें ज्ञान हो तो एग्जाम हमारे लिए सरल हो जाता है। आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के बारे में। और बहुत सारे विद्यार्थियों कमेंट भी आ रहे थे कि सर, जो फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी है उसका सिलेबस है वो जरा हिंदी में बताइए। तो मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी का जो भी सिलेबस है वो हिंदी में यहाँ पर बताऊंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक है वो तैयार करने हैं और किस प्रकार से आपको स्टडी करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम बात करें मानसिक योग्यता परीक्षण। तो मानसिक योग्यता परीक्षण में कौन कौन से टॉपिक हैं और ये फर्स्ट ग्रेड में लगभग ये 5 अंकों के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से मैथ है, उसमें भी फर्स्ट ग्रेड में मैथ भी आता है और 5 अंक के हिंदी है और इंग्लिश और विज्ञान, यानी 5 सब्जेक्ट हैं इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में, तो सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण के बारे में बात करें तो इसमें एक टॉपिक रहेगा सादृश्यता, दूसरा है श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट वाचन, आप इनको नोट कर सकते हैं, रक्त संबंधी परीक्षण, वेन आरेख, वर्णमाला परीक्षण, अंक अक्षर, संकेत श्रृंखला परीक्षण, श्रेणी क्रम, समय अनुक्रम परीक्षण, गणितीय संक्रिया एवं उनके निष्कर्ष, अंक गणित, तर्क शक्ति, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों की पर्याप्तता, घन घनाभ पाशा इंच और वर्ग एवं त्रिभुज की रचना। ये तो है आपके मानसिक योग्यता परीक्षण के टॉपिक। जो 15 टॉपिक हैं, ये 15 टॉपिक आपको फर्स्ट ग्रेड में तैयार करने हैं और लगभग ये टॉपिक हम करवाएंगे भी, लगभग ये रीजनिंग के जो भी टॉपिक है उनको हम कवर भी करेंगे। अब बात करते हैं मैथ्स की, यानी गणित की। गणित में कौन कौन से टॉपिक है जो फर्स्ट ग्रेड में आने आएंगे और लगभग ये भी 5 अंकों के आएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक आपको संख्या पद्धति तैयार करना है, दूसरे की बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तीसरा रहेगा आपका बहुपद है, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप है, ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल एवं उनका आयतन है। जैसे ठोस आकृति कौन कौन सी, जैसे बेलन है, गोला है, शंकु है, इन आकृतियों का आपको क्षेत्रफल और उनका आयतन। उसके बाद सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रदर्शन, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जैसे बहुलक, माध्यक और माध्य, ये रहेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो यानी ये 7 टॉपिक हैं जो गणित सांख्यिकी से आपको फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाएंगे इससे संबंधित क्वेश्चन। तो आपको ये भी है, ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, अगर आप एक टॉपिक है तो ये 5 या 4 दिनों में कंप्लीट हो जाते हैं, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। उसके बाद अगर बात करें हिंदी की, ये फर्स्ट पेपर में सारा सिलेबस पूछा जाता है हिंदी में, तो वही जो नॉर्मल व्याकरण है उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो 2019 में आपका एग्जाम होने वाला है फर्स्ट ग्रेड, उसके सिलेबस की मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ पूरी चर्चा। तो देखिए, संधि एवं संधि विच्छेद, उपसर्ग, परतें, विलोम शब्द, शब्द युग्म, शब्द का शुद्धिकरण, वाक्य का शुद्धिकरण, क्रिया यानी क्रिया सहकर्मक और अकर्मक, ये है हिंदी का सिलेबस। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर गणित का, मानसिक योग्यता परीक्षण और हिंदी का सिलेबस, 3 सब्जेक्ट के मैंने यहाँ पर, अगले वीडियो में आपको विज्ञान और राजस्थान का जो भी जीके कौन कौन सा है, भारत का, इस प्रकार के जो भी टॉपिक सिलेबस है उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड के लगभग ये टॉपिक है हम यहाँ पर करवाएंगे। एक दोस्तों, अगर आपको नोट्स की आवश्यकता हो,
इन टॉपिक्स के जो आपकी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी में आने वाले हैं, रीजनिंग से संबंधित, यानी फर्स्ट पेपर या अगर आपको लेना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और आपको नोट्स से वो प्राप्त करवा दिए जाएंगे। सारे टॉपिक अगर फर्स्ट ग्रेड के टोटल उसमें शामिल होंगे, 100% कोर्स उसके अंदर शामिल होगा, तो आपको अगर चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपको ये और सिलेबस बता दिया जाएगा। सारा सिलेबस हिंदी में बताया गया है, तो आने वाले वीडियो में भी आपको सारा सिलेबस है वो हिंदी में बताएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक की है वो तैयारी करनी है। धन्यवाद दोस्तों। जय।